जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डायमंड क्रॉसिंग का नाम तो सुना ही होगा, और ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि डायमंड क्रॉसिंग आखिर दिखती कैसी है। हाल ही में जब मैं नागपुर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ट्रैक्स इतने अच्छे ढंग से क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे को कि ऐसा लग रहा था जैसे मान लो यही डायमंड क्रॉसिंग हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के मन में भी कई ना कई बार नागपुर के इन क्रॉसिंग को देख करके सवाल आया होगा कि शायद यही नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग है। तो मैंने सोचा इसी चीज़ को आप लोग से क्लियर कर दिया जाए और आपको मैं दिखा पाऊँ कि नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग दिखती कैसी है। दोस्तों, ये जो वीडियो है पिछले साल की जर्नी का है मेरा, बैंगलोर राजधानी का। जब गर्मियों के मौसम में मैंने यात्रा की थी। नागपुर की जो डायमंड क्रॉसिंग है वो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी मशहूर है, क्योंकि ये डायमंड क्रॉसिंग बहुत ही अनोखी है। फिलहाल जो आप सामने हमारे जो ट्रैक्स क्रॉस करते हुए देख रहे हैं ये डायमंड क्रॉसिंग के नहीं है, पर देखने में ये भी काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ट्रैक्स बिछे हुए हैं क्रॉसिंग के लिए, और सामने जहाँ आप लोग देख रहे हैं गैंगमैन काम कर रहे हैं, एक्चुअल डायमंड क्रॉसिंग वहाँ है। आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे काम चल रहा है और लगातार डायमंड क्रॉसिंग की देख रेख मरम्मत चलती रहती है ताकि कोई भी दुर्घटना न घट सके। अब इन ट्रैक्स को डायमंड क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ पे ट्रैक्स एक दूसरे को पार करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत शेप बनाते हैं जो कि डायमंड जैसा लगता है, और नागपुर की जो लाइन है ये तो डबल डायमंड क्रॉसिंग कहलाती है। आज तक मुझे इसके करीब जाने का मौका तो नहीं मिला, हमेशा मैंने इसे ट्रेन से ही देखा है, पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में कैसी दिखती है। तो कुछ ऐसे दिखती है नागपुर की डायमंड क्रॉसिंग अगर इसे करीब से देखा जाए तो। दोस्तों, वैसे बहुत ही सुंदर और अनोखी लगती है। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में जब मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर यहाँ तक पहुँचूंगा और आप लोग को इसकी डिटेल्ड कवरेज दिखाने की कोशिश करूँगा। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ट्रेन लाइनें मिलती हैं और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जिस दिशा में आप लोग गैंगमैन लोगों को काम करता हुआ देख रहे हैं ये है नागपुर से लेकर रायपुर गोंदिया की लाइन, और जिस लाइन पे हम लोग यात्रा कर रहे हैं ये है दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर जाने वाली लाइन। तो अगर आप लोग नागपुर से गुजर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल डायमंड क्रॉसिंग के नज़ारे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि कैसे ट्रेन क्रॉस होती है नागपुर की इस डायमंड क्रॉसिंग से, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं एक और एकदम डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा जहां पे आप लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार ट्रेन क्रॉस कैसे होती है जब दोनों तरफ से ट्रैक्स आ रहे होते हैं और बीच में कोई गैप भी नहीं होता है। नागपुर की जो डायमंड क्रॉसिंग है ये इसलिए बनाई गई है ताकि इटारसी तरफ से आ रही गुड्स ट्रेनें नागपुर के यार्ड में यानी गुड्स यार्ड तक पहुँच सकें, और ये एक सर्विस ब्रांच लाइन का काम करती है। और खैर, मेन लाइन तो आपने देख ली जो रायपुर तरफ जा रही है, गोंदिया तरफ जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि अगर आप लोग डायमंड क्रॉसिंग की वर्किंग को समझना चाहते हैं तो। मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोटोज़ के थ्रू से आपको समझा पाऊँ। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।